गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग विजन सी। आज मैं एक नर्सरी पर आया तो मैंने देखा कि भैया कुछ अमरूद के पेड़ को छोटे पॉली बैग से बड़े पॉली बैग में बदल रहे हैं। मैंने उसका कारण जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यदि हम इनको ऐसा ना करें तो यह अमरूद के पेड़ बड़े नहीं होंगे। और मिट्टी को बदलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी पुरानी हो जाती है और उसमें विटामिन्स की मात्राएँ कम हो जाती हैं। हम मिट्टी में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और कुछ अन्य खाद मिलाकर उसको बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसी तरह उन्होंने मुझे यह भी बताया कि जब आप अपने गमले में यह पौधा लगाते हैं तो आप पहले इसे 10 से 12 इंच के गमले में लगाएं और एक से डेढ़ साल बाद आप इसको बदलकर 15 से 20 इंच के पॉट में बदल दें। इस तरह आपका अमरूद का पौधा भी स्वस्थ रहेगा और ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, ज़्यादा आपको फ्रूटिंग भी देगा। यह था अमरूद के पौधे के बारे में टॉप सीक्रेट। मुझे उनकी जानकारी बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा यह जानकारी आप लोगों तक भी शेयर करूं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके अमरूद का पौधा आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करे तो आप उसको पहले छोटे गमले में लगाएं, नर्सरी से जब लाएं, और उसके बाद आप उसको 15 से 20 इंच के गमले में शिफ्ट कर दें। लेकिन शिफ्ट करते समय ध्यान रहे कि मिट्टी में खाद ज़रूर मिलाएँ, चाहे वह वर्मी कंपोस्ट हो चाहे कोई दूसरी खाद हो। धन्यवाद।